한 뽀가데 에 사도 에 사도 उधर मत जा डोंट गो इन देयर अरे कोई तो बचाओ अरे देखो क्या कर रहा है ए साधो वापस आ जाओ क्या कर रहे हो साधो ए साधो हम इतने सारे साधु संत हैं, घूम घूम कर लोगों को दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे हैं, ये सब पागलपन है। हमारे गुरुदेव कहा करते खाली पेट को धर्म सिखाना पाप है। अपनी अज्ञानता के कारण गरीब लोग पशुवत जीवन बिता रहे हैं। हे गुरुदेव, अगर कुछ सन्यासी जो दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, अगर वे एक गांव से दूसरे गांव जाकर शिक्षा देकर और कई अन्य तरीकों से उन सब की स्थिति सुधार कर दूसरों के लिए अच्छा करें, मौखिक शिक्षा के द्वारा और मानचित्रों, कैमरा, ग्लोब और ऐसी अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल करें, तो क्या हम अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते? अगर पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता है तो मोहम्मद को पहाड़ के पास जाना चाहिए। हमने एक देश के रूप में अपनी पहचान खो दी है। हमें अपने देश को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलानी होगी और जनता का उत्थान करना होगा। इसके लिए पहले हमें लोग चाहिए। चलो निजो निकेतने जल्दी आ रहे मोट मोट जल्दी आ रहा हरी भाई, मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारा धर्म क्या है, लेकिन मेरा हृदय विस्तार हो चुका है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम को स्वीकार करते हैं या नहीं, लेकिन उनका जीवन, उनकी शिक्षा और उनके संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। धर्म सम्मेलन का आयोजन इसीलिए किया गया है। मेरा मन मुझसे ये कहता है, तुम बहुत जल्द ये होते हुए देखोगे।
इन पाश्चात्य देशों में आने वाला मैं पहला सन्यासी हूं। यह विश्व इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक हिंदू सन्यासी ने समुद्र पार किया है। यह मेरा कमजोर हृदय है जिसने मुझे भारत से बाहर जाने को प्रेरित किया है। उनके लिए जिन्हें मैं प्यार करता हूं और मैं इसीलिए यहां हूं। जो खर्च मैं यहां झेलने के लिए मजबूर हूं वो भयंकर है। आम तौर पर मुझे एक दिन का $1 खर्चा लगता है। एक सिगार की कीमत हमारे पैसे के 8 आने के बराबर है। वो सभी सहज विचार जो चलने से पहले मेरे भीतर थे वो सब पिघल चुके हैं और अब मुझे असंभव के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। Eastern Marvel, Japanese bamboo house. It's only $50 per day, sir. You are from Boston? Okay, sir. See you soon. Excuse me? Yes. Can I get a room? No room. Could you check? Money. एक 100 बार मुझे लगा मुझे इस देश को छोड़ अपने देश भारत वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मैं दृढ़ संकल्पित हूं और यह ईश्वर का आदेश है। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन उसकी आंखें देखती हैं और मुझे अपनी बंदूक थामे खड़ा रहना है, चाहे जीऊं या मरूं। अगर मुझे यहाँ लंबे समय तक रहना है तो इस अनूठे पहनावे से काम नहीं चलेगा। 100 से भी अधिक की संख्या में लोग मुझे देखने के लिए गलियों में इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे चाहिए कि मैं एक लंबा काला कोट पहनूं और अपने पास एक ढीली लंबी पोशाक रखूं और पगड़ी रखूं उस समय के लिए जब मैं भाषण दूंगा। यह सब मुझे सहन करना ही पड़ेगा। भूख, मेरे अनूठे आकर्षक पहनावे के कारण गलियों में लोगों का मुझ पर ठहाका मारकर हंसना और मुझ पर हमला करना, इन सब के खिलाफ मुझे लड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी महान कार्य बिना कड़ी मेहनत के कभी नहीं हो पाए। हो सकता है मैं सर्दी, ठंड और भूख के कारण इस देश में मर जाऊं। मैं 12 साल से इस भार को अपने दिल में लिए हुए चल रहा हूं और इस विचार को अपने दिमाग में। मैं इन तथाकथित अमीर और बड़े कहलाने वाले लोगों के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक कई बार गया हूं। इस रक्त रंजित हृदय के साथ मैं आधी दुनिया पार कर चुका हूं इस अनजानी धरती पर पहुंच मदद मांगने के लिए।
संसद के आरंभ होने की सुबह हम सभी एक भवन में इकट्ठा हुए जिसका नाम था आर्ट गैलरी। वहां एक भव्य शोभा यात्रा के साथ हम मंच की ओर बढ़े। कल्पना कीजिए, नीचे हॉल और ऊपर विशाल गलियारा ठसा ठस भरा हुआ 6,000 स्त्री और पुरुषों से, जो कि उस देश की सर्वोत्तम संस्कृति के सूचक थे। और मंच पर थे संसार के सभी देशों के ज्ञानी लोग और मैं, जिसने कभी लोगों के सामने नहीं बोला था, उसे आज इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष बोलना था। इसका आरंभ भव्य तरीके से संगीत, औपचारिक सार्वजनिक समारोहों और भाषणों के साथ हुआ। जी हाँ, मेरा हृदय घबराहट के कारण धड़क रहा था और मेरी जीभ लगभग सूख चुकी थी। मैं बहुत घबराया हुआ था और सुबह भाषण देने का जोखिम ना उठा सका। थियोसोफी के चक्रवर्ती का भाषण बहुत अच्छा था, उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। ब्रह्म समाज के मजूमदार का भाषण तो उससे भी बेहतर था, उन्हें बहुत सारी तालियां भी मिली। ये सभी लोग पहले से ही तैयार थे और अपने साथ पहले से तैयार किए गए भाषण लाए थे। मैं बेवकूफ था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने मन ही मन देवी सरस्वती को प्रणाम किया और मंच के ऊपर कदम रखा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, करीब 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रहीं। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of the monks in the world. I thank you in the name of the mother of all religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform, who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. I will quote to you, my brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest childhood, which is every day repeated by millions of human beings. As different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecution with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. जब भाषण खत्म हुआ, मैं अपनी भावुकता के कारण थक चुका था। सारे अखबारों ने घोषणा की कि मेरा भाषण उस दिन का सबसे सफल भाषण रहा, और सारा अमेरिका मुझे जानने लगा, और वो भी किस प्रभाव के साथ। मैं कुछ अखबारों और पत्रिकाओं से पढ़कर तुमको बताऊंगा जो मेरे हाथ में है।
मुझे आत्म अहंकारी बनने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम्हारे विश्वास की वजह से मैं ये कहने को विवश हूं। इससे पहले इस तरह का प्रभाव अमेरिका पर किसी हिंदू ने भी नहीं छोड़ा। But eloquent as were many of the brief speeches, no one as well expressed the spirit of the parliament and its limitations as the Hindu monk. His culture, his eloquence, and his fascinating personality have given us a new idea of Hindu civilization. His fine, intelligent face and his deep musical voice, prepossessing one at once in his favor, he speaks without notes, presenting his facts and conclusions with the greatest art and the most convincing sincerity, raising often to rich, inspiring eloquence. Vivekananda is undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions. After hearing him, we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation. Herald, the greatest newspaper here. जो अखबार मुझे पसंद नहीं करते थे उन्होंने भी कहा है कि दिस मैन विथ हिज हैंडसम फेस एंड मैग्नेटिक प्रेजेंस इज अनडाउटेडली द प्रोमिनेंट फिगर इन द पार्लियामेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इन सब उदाहरणों के बाद क्या तुम्हें लगता है कि एक सन्यासी को अमेरिका तक भेजना सार्थक था? अब मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। इस शहर के कई सुंदर मकान मेरे लिए खुले हैं। अगर मैं चाहूं तो अपनी पूरी जिंदगी यहां बिता सकता हूं, ऐशो आराम के साथ। लेकिन मैं एक सन्यासी हूं। हे भारत देश, तुम्हारी सारी कमजोरियों के बावजूद मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। हे माँ, यहां लोग फूलों के बिस्तर पर सोते हैं। ये लोग सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, और ऐसी कौन सी चीज है जिसका ये आनंद नहीं लेते? जबकि मेरे देश में लोग भूख से मर रहे हैं। हे माँ, क्या उनके लिए कोई रास्ता नहीं होगा? मुझे अपने बारे में बहुत बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यह आपका मेरे ऊपर ऋण है। मैं बंगाल में पैदा हुआ। मेरे पिता और मां ने कई सालों तक उपवास रखा ताकि मैं पैदा हो सकूं। मेरे जन्म के समय मेरे पिता ने मेरे जीवन की कुंडली बनवाई, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया कि उसमें क्या है। मैं ये जानता हूं कि मेरी मां मुझे पूरी चेतना के साथ इस संसार में लाई, उसके लिए जो मैं हूं। वो प्यार जो मेरी मां ने मुझे दिया, उसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं, और यह उसका ऋण है मुझ पर, जिसे मैं कभी ना चुका पाऊंगा। मां, कई बार मैंने अपनी मां को अपना नाश्ता उस वक्त लेते हुए देखा जबकि दोपहर के 2 बज चुके। कोई दरवाजा खटखटाता और कहता था मेहमान, और तब खाना खत्म हो जाता था, सिवाय उसके जो मेरी मां के लिए बचा था।
वह पूरी इच्छा के साथ वह खाना उसे दे देती और फिर अपने खाने का इंतजार करती। यही उसका जीवन था और वह उसे पसंद करती थी। मुझे याद है जब मैं 2 साल का था, जब मैं खेलता था एक बैरागी की तरह, कौपीन और भस्म में लिप्त। यदि कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आ जाता तो वो मुझे ऊपर के कमरे में बंद कर देते ताकि मेरे अत्यधिक देने की आदत को रोका जा सके। मुझे भी महसूस हुआ करता था मैं भी ऐसा हूं और कोई गलती मैंने की है जिसके कारण मुझे भगवान शंकर से दूर भेज दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे परिवार वालों ने मेरे इस भावना को बल दिया। जब मैं कोई शरारत करता तो वे कहते, हे भगवान, इतनी सारी पूजा अर्चना, फिर भी भगवान शंकर ने एक अच्छी आत्मा की जगह मेरे घर पे एक राक्षस भेज दिया। और जब मैं विद्रोही हो जाता, वो तब ठंडे पानी से भरा बर्तन मेरे ऊपर उढ़ेल कर खाली कर देते थे, कहते थे, शिव शिव, और मैं बिल्कुल शांत हो जाता हमेशा हमेशा। आज भी जब मुझे कोई शरारत सूझती है वो शिव मुझे संभाल लेता है। शिव शिव। ताथैया ताथैया नाच भोला, बम बब बाजे गाल। ताथैया ताथैया नाच भोला। शिव शिव। यह आश्चर्य का विषय है कि ये हर रात हो रहा था, बहुत लंबे समय तक। जैसे मैं बिस्तर पर जाता था, हर रात 2 आदर्श मेरे सामने आ जाते थे। एक आदर्श मुझे उस व्यक्ति की भांति प्रस्तुत करता जिसके पास असीम दौलत, समृद्धि, असंख्य नौकर चाकर और आश्रित थे। हाँ, मुझे मालूम था कि मेरे पास शक्ति और सामर्थ्य था ये सब पाने के लिए। अगले ही क्षण मुझे महसूस हुआ जैसे कि मैं इस संसार की सारी चीजों को त्याग दिया है और त्यागी की जिंदगी जी रहा हूं। सिंह की चमड़ी से बने वस्त्र पहने हुए, खाके जो कुछ भी उपलब्ध हो बिना किसी प्रयास के। मेरे दिमाग में ये 2 तस्वीरें आती थी जिनके अनुसार मैं अपनी जिंदगी को ढाल सकता, लेकिन आखिरकार दूसरी तस्वीर ने मेरे दिमाग को पकड़ा। कुछ साल पहले जब मैं अपने घर गया अपने पिता की मृत्यु के बाद, मुझे अपनी मां के कागजातों के बीच मेरी कुंडली मिली और मैंने उसमें देखा नियति के द्वारा मेरा इस धरती पर घुमक्कड़ बनना तय था। मैंने 12 साल कड़ा अध्ययन किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्नातक हो गया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यह भय था कि धर्म समाप्त होने की कगार पर है। वैज्ञानिक खोजों की भारी भरकम हथौड़े नुमा जोरदार मार के कारण पुरानी रूढ़ियां चीनी मिट्टी की ढेर के समान ढहकर समाप्त हो रही थी। हिंदुत्व तो भारतीयों के लिए भ्रमात्मक हो चुका था। वह जिनके लिए धर्म केवल धार्मिक मान्यताओं, सिद्धांतों और सराहनीय अनुष्ठानों का गठर मात्र था, वह सब दुखी थे। इस अविश्वास ने मुझे भी घेरा और कुछ समय तक मुझे लगा कि धर्म संबंधी सारी आशाएं त्याग देनी चाहिए। कलकत्ता शहर में
मैं धर्म की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करता था और हर जगह व्याख्याता का लंबा वक्तव्य सुनने के बाद मैं पूछता था, सर क्या आपने भगवान को देखा है? बेचारे व्याख्याता भगवान को देखने के विचार से ही हतप्रभ हो जाते थे। और केवल वह व्यक्ति जिसने मुझे कहा हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, वह थे श्री राम कृष्ण परमहंस। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मैं तुम्हें उस रास्ते पर चलाऊंगा जहां से तुम भी भगवान को देख सकोगे। ये व्यक्ति कलकत्ता के पास रहने आया था जो कि भारत की राजधानी थी, देश का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय शहर, जो हर साल संशयवादियों को और उपभोगवादियों को 100 से भी अधिक संख्या में पैदा करता था। ये बूढ़ा बहुत अनूठा था, उनका बौद्धिक विद्वत्ताओं से कुछ लेना देना नहीं था, ना ही उन्होंने बराबर किताबें पढ़ी थी, लेकिन जब वो बच्चे थे सत्य के साथ सीधा साक्षात्कार के प्रबल विचार ने उनको कसकर पकड़ा हुआ था। पहले इस व्यक्ति ने अपने ही धर्म का अध्ययन किया और उसके बाद उनके मन में यह विचार आया कि अन्य धर्मों का सत्य जानना चाहिए, और इस विचार के साथ उन्होंने एक के बाद एक अन्य धर्म और संप्रदायों का अनुसरण किया। वो जिनको जानना चाहते थे उन्हीं की तरह खाते थे और कपड़े पहनते थे और उनकी जात और भाषा का इस्तेमाल करते थे। अरे बहुत समय पहले जब सार्वभौमिक धर्म और आपसी भाईचारे के भाव के विचार की आधारशिला रखी जा रही थी और विश्व के किसी भी देश में इस पर विचार विमर्श किया जा रहा था, तब यहां एक जीवित व्यक्ति था जिसकी पूरी जिंदगी धर्म की संसद थी। विश्वविद्यालय के कई लोग संशयवादी, ईश्वर की सत्ता पर संशय रखने वाले, उन्हें सुनने आया करते थे। मैं भी उन्हें सुनने गया। हाँ, वह दक्षिणेश्वर मंदिर का बगीचा था, उनके खुद के कमरे में। वह साधारण मनुष्य की तरह दिखते थे, उनके बारे में कुछ भी असाधारण और उल्लेखनीय नहीं था। चलो निजो निकेतने मन चलो निजो निकेतने संसार विदेशे विदेशीर बेशे भ्रमो केनो अकारणे मन चलो निजो निकेतने विषय पंचक आर भूतगा विषय पंचक आर भूतगान सब तोर पर क्यों नय अपन पर प्रेम केन होए अचेतन। वह गीत सुनते सुनते समाधि में चले गए। जाने मनो चलो निजो निकेतने आ मैंने गीत गाया लेकिन
थोड़ी ही देर में वो उठे और मेरे हाथों को पकड़कर उत्तरीय बरामदे की ओर ले गए। अपने पीछे उन्होंने दरवाजा बंद किया। आश्चर्यचकित रह गया। उनकी आंखों से खुशी के आंसुओं की धारा बह रही थी। मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे ऐसे संबोधित कर रहे थे जैसे कि मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं। वह मेरे सामने खड़े हुए और हाथ जोड़कर मुझे संबोधित कर रहे थे। हे भगवान, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम वही बुद्धिमान योग्य व्यक्ति हो, नारायण के अवतार। इस धरती पर मनुष्य जाति के दुखों को मिटाने के लिए पैदा हुए हो। मैं उनके इस तरह के आचरण से हतप्रभ था। यह व्यक्ति है कौन जिसे मैं देखने आया हूँ? यह जरूर पूरी तरह पागल है। क्यों, मैं तो सिर्फ विश्वनाथ दत्त का बेटा हूँ, और फिर यह मुझे क्यों इस तरह संबोधित कर रहे हैं? मैं वापस आया, दोस्तों के पास बैठा, बैठकर गंभीरता से उन पर गौर करने लगा। उनके शब्दों में, उनकी क्रियाओं में और दूसरों के लिए उनके आचरण में कुछ भी गलत नहीं था। हो सकता है यह व्यक्ति पागल हो, लेकिन कुछ भाग्यशाली लोग ही इस तरह के त्यागी हो सकते हैं, चाहे पागल ही सही। यह पवित्र व्यक्ति पवित्रों में भी पवित्र है, एक सच्चा संत, और इसलिए सिर्फ यही व्यक्ति समाज से आदर और सम्मान पाने के योग्य और हकदार है। ऐसी दुविधा की मनस्थिति में मैंने कलकत्ता जाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। तुम्ही शीघ्रो एक दिन एखाने आमार काछे एकाकी आसबे। पहली बार मैं किसी व्यक्ति से मिला जिसमें यह साहस था कि वो कह सके कि उसने ईश्वर को देखा है, और धर्म एक सच्चाई है जिसे महसूस किया जा सकता है। मन और मस्तिष्क के सारे संशय मिट गए। मैंने हर रोज उस व्यक्ति के पास जाना शुरू किया, और मैंने खुद देखा कि धर्म को दिया जा सकता है। मेरे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि धर्म का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो सकता है, किसी भी अन्य वस्तुओं से भी अच्छी तरह जो इस संसार में है। गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, शुरुआत में मैंने अपने गुरुदेव की किसी भी बातों पर यकीन नहीं किया। मैंने एक दिन उनसे कहा, भगवान के स्वरूप और इस तरह की और चीजें जो आप अपनी दृष्टि से देखते हैं, सभी आपकी कल्पना के हिस्से हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग उन्हें भगवान कहते हैं। मैंने कहा, चाहे हजारों लोग आपको भगवान कहकर पुकारें, लेकिन मैं निश्चित तौर पर आपको भगवान कहकर नहीं पुकारूंगा जब तक कि मुझे यह मालूम ना हो कि यह सही है। उन्होंने कहा, फिर तुम यहाँ क्यों आते हो? मैंने कहा, मैं यहाँ आपको देखने आता हूँ, ना कि आपको सुनने। इसे सुनकर वो बहुत संतुष्ट हो गए। श्री रामकृष्ण आज का धर्म सिखाने आए थे, सकारात्मक ना कि नकारात्मक। उन्हें हर बार नए तरीके से प्रकृति से जुड़ना होता था। तथ्यों को जानने के लिए उन्हें वैज्ञानिक धर्म मिला
जो कभी नहीं कहता कि विश्वास करो, पर कहता है देखो। यह सब उनके लिए कोई अनूठी बात नहीं थी और ना ही कभी उन्होंने इस बात का दावा किया। लेकिन मुझे इससे बढ़िया चमत्कार और नहीं मिलता जिस तरह यह पागल ब्राह्मण मनुष्यों के दिमाग को नियंत्रित करता, मिट्टी के ढेलों की भांति तोड़ मड़ोड़ कर आकार देकर और पुनः आकार देकर सरलता के साथ उनके भीतर स्पर्श मात्र से विचार भर देते। मैं रामकृष्ण के बारे में लंबे समय तक बोल और सोच नहीं सकता बिना विभूत हुए। उनके बारे में कैसे बोलूं? उनका प्रेम, एक बार हमने अपनी जानी मानी किताबों वेदों बाइबल कुरान के बारे में बातचीत की। हमारी बातचीत के बीच इस भले व्यक्ति ने मुझे मेज तक जाने और एक किताब उठाने के लिए कहा। अच्छा, मेजर उपरे वही बोईटा ने ये किताब अन्य चीजों के साथ थी जिसमें पूरे साल की बारिश का पूर्वानुमान था। ना ना ना, आइट 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 ओइटा ने ज्ञानी व्यक्ति ने कहा इसे पढ़ो। मैंने बारिश की मात्रा के बारे में पढ़ा जो गिरने वाली थी। एक बार पढ़। भादुरेर मेघ विपरीत बाय সেদিন ঝড় বৃষ্টি হয়। হ্যাঁ, যদি বর্ষে পাউষে কড়ি হয় তুষে, যদি বর্ষে মাঘে ধন্য রাজা পুণ্য দে। फिर उन्होंने कहा अब इस किताब को लो और निचोड़ डालो। ভালো করে নিংড়া কি? ভালো করে নিংড়া। मैंने वैसा ही किया और उन्होंने कहा क्यों मेरे बच्चे, एक बूंद पानी भी बाहर नहीं आ रहा। जब तक कि पानी बाहर नहीं आता यह केवल किताब में है, इसलिए जब तक तुम्हारा धर्म तुम्हें ईश्वर की अनुभूति ना कराए वह बेकार है। जो किताबों को धर्म के लिए पढ़ता है मुझे एक गधे की कहानी याद दिलाता है जो अपनी पीठ पर भारी चीनी का बोझ ढोता था लेकिन उसकी मिठास से अनभिज्ञ था। যে চিনির বস্তা বয়ে বেড়ায় কিন্তু চিনির স্বাদ জানে না। কি ও গাধা! ফির মেরা বহুত বুরা সময় আয়া, এসা দুর্ভাগ্য আয়া, মেরে পিতা কি মৃত্যু হো গই আর হাম गरीब हो गए। जबकि अभी मेरे पिता की शोक का समय भी पूरा नहीं हुआ था, मुझे नौकरी की तलाश में जाना पड़ा भूखे नंगे पांव। मैं चिलचिलाती धूप में हाथों में प्रार्थना पत्र लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक भटकता रहा, लेकिन हर जगह लोगों ने मुझ पर दरवाजे बंद कर दिए। जीवन की सच्चाई के साथ इस प्रथम साक्षात्कार ने मुझे विश्वास दिला दिया कि निस्वार्थ दया इस दुनिया में बहुत कम है। इस दुनिया में कमजोर, गरीब और अभावग्रस्त के लिए कोई जगह नहीं है। एक दिन थका हुआ और पैरों में छाले पड़े हुए मैं ऑक्टर लोनी स्मारक के छांव तले मैदान में बैठ गया। एक दो मित्र भी साथ थे, उसमें से एक मित्र ने सांत्वना देने के लिए गाना शुरू किया। ओए नरेन, उठ उठ, देख बहिचे कृपा घना ब्रह्म निष्पाश पवने। क्या तुम इस गीत को गाना बंद करोगे? ऐसी मनोअनुकूल कल्पनाएं उनको अच्छी लग सकती हैं जो चांदी के चम्मच अपने मुंह में लिए हुए पैदा हुए हैं और उनके घर में कोई भूखा रिश्तेदार नहीं। हां, एक समय ऐसा था जब मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन आज जीवन की कठोर सच्चाई के सामने मुझे यह एक
दुखद उपहास की तरह लग रहा है। कभी कभार जब मुझे लगता था मेरे परिवार के लिए खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में नहीं है और बटुआ भी खाली होता, मैं अपनी माँ के सामने दिखावा करता कि मुझे बाहर से खाने का न्योता है और व्यवहारिक तौर पे मुझे बिना खाने के ही रहना पड़ता। ओह, वह गहरी पीड़ा उन दिनों की, मैं नरक में जी रहा था। इस सभी परेशानियों के बावजूद, हालांकि मेरा भगवान पर से, भगवान के अस्तित्व और दिव्य दया पर से विश्वास कभी नहीं उठा। हर सुबह उसका नाम लेकर मैं उठता और काम की तलाश में बाहर निकल पड़ता। एक दिन मेरी मां ने मुझसे कड़वाहट भरे शब्दों में कहा, ओ मूर्ख, तुम भगवान के लिए बचपन से रो रहे हो और उसने तुम्हारे लिए क्या किया? मैं हतप्रभ हो गया। शंका ने मेरे दिमाग में दस्तक दी, क्या भगवान सचमुच में है? अगर है, वो क्या वह सचमुच प्रार्थनाओं को सुन सकता है? तो फिर मेरी याचनाओं का कोई जवाब क्यों नहीं? मैं पूरी तरह भगवान से गुस्सा था। वो पल था, अवसर था शक को मेरे दिमाग में उपजने के लिए। जल्द ही ये बातें विश्वसनीय हो गई कि मैं एक नास्तिक हूं और शराब पीने में भी संकोच नहीं करता, और तो और मैं बार बार बुरी छवि वाले घरों में भी जाता हूं। इन बातों से मेरा हृदय और कठोर हो गया। चिंता की कोई बात नहीं, अगर मनुष्य के अच्छे और बुरे विचार इतने कमजोर नींव पर रखे जाते हों, मैं चिंता नहीं करता। इस दुखी दुनिया में कुछ भी निंदनीय नहीं है उस व्यक्ति में जो सिर्फ थोड़े समय के लिए भी सुख चाहता है। उसे हर चीज में आनंद लेना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर मैं एक बार भी संतुष्ट हो जाऊं ऐसी स्थिति के प्रभाव से, फिर भी मैं किसी के भी डर से पीछे नहीं हटूंगा उसका अनुसरण करने से। जब श्री राम कृष्ण के प्रिय शिष्य ने आंखों में आंसू भरे उनसे कहा, চুপ কর শালারা, মা বলেছেন সে কখনো ওরকম হতেই পারে না, আর কখনো ওসব কথা বললে তোদের মুখ দেখবই না মা। আর মে ইয়া শুনকে চকিত থা। तब से श्री राम कृष्ण ऐसे व्यक्ति थे। जब से वो मुझे मिले थे उन्होंने मुझ पर हमेशा निरंतर विश्वास किया, जबकि मेरे माता व भाई भी यह ना कर सके। उनका मेरे ऊपर कभी ना टूटने वाला विश्वास और प्यार ही था जिसने मुझे हमेशा के लिए उनसे बांध दिया। एक दिन जब गुरुदेव अनदा गुहा से मिले और उन्होंने उससे कहा कि नरेन के पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसका परिवार बहुत ही गरीबी की स्थिति में है, यह अच्छा होगा अगर उसके सारे दोस्त अभी उसकी मदद करते पैसों से। अन्नदा के जाने के बाद मैंने उन्हें डांटा। वह रोने लगे और कहा, ओ नरेन, तुम्हारे लिए मैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाकर भीख मांग सकता हूं। उन्होंने मुझे फांस लिया अपने प्रेम के द्वारा। फिर भी मैं 6 साल तक उनसे लड़ता रहा। আমার ইচ্ছা হয় সুখদেবের মতো 5-6 দিন ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি।
তারপর শুদ্ধ শরীর রাখার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যায়। ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে ওই কথা! আমি ভেবেছিলাম কোথায় তুই একটা বিশাল বট গাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয় তুই কিনা নিজের মুক্তি চাস। मैंने उन्हें प्यार किया और यही वह चीज थी जिसने मुझे उनसे जोड़े रखा। मैंने उनकी पवित्रता को देखा, मैंने उनके अद्भुत आश्चर्यजनक प्यार को महसूस किया। उनकी महानता तब मेरे ऊपर नहीं बिखरी थी, वो सब तो बाद में आया जब मैंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया। আমি এসব পারবো না। তুই করবি না, তোর ঘর করবে। वह हमेशा सही थे और अब मैं उनके निर्णय पर आंखें मूंद कर विश्वास करता हूं। तब वह दुखद दिन आया जब हमारे वृद्ध गुरुदेव की मृत्यु हो गई। हमने उनकी भरपूर सेवा की जितना भी हम कर सकते थे। मैं उनके पास तब गया था जब मैं लगभग 16 साल का था। कुछ और लड़के भी और छोटे थे, कुछ थोड़े बड़े थे। जब मेरे गुरुदेव ने शरीर को छोड़ा तब हम दर्जन भर लड़के थे जिनके पास ना कोई धन था और ना ही जिन्हें कोई जानता था। हमें एक सार्वभौमिक धर्म की शुरुआत करनी चाहिए अभी और यहीं। हमें हिंदुओं के दया भाव, ईसाइयों के कर्मठता और मुसलमानों के भाईचारे को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमारे कोई दोस्त नहीं थे, कौन सुनेगा कुछ लड़कों को उनके सनकी विचारों के साथ? कोई नहीं, कम से कम भारत में लड़के कुछ भी नहीं। सिर्फ सोच कर देखिए, दर्जन भर लड़के लोगों को बड़े विचार बताते हुए कहते हुए कि वे दृढ़ संकल्पित हैं जीवन में इन विचारों पर काम करने के लिए। हमारे खिलाफ 100 से भी अधिक संगठन थे जो भरपूर कोशिश कर रहे थे हमें उगने से पहले ही काट देने की। इस तरह लड़कों की टोली चलती रही, सब हंसते। सिर्फ जो चीज हमें हमारे चारों ओर के लोगों से मिली वो थी ठोकर और कड़वाहट भरे शब्द, बस यही सब। हाँ, हमें एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भिक्षा मांगने जाना पड़ता था। हमारे भोजन के लिए यहां वहां से एक आध रोटी मिल जाती। हम एक टूटे फूटे मकान में रहने लगे, जमीन के नीचे फुंकारते हुए कोबरा सांपों के साथ, क्योंकि वो सबसे सस्ता घर था। हम उस घर में गए और रहना शुरू कर दिया। ऐसे दिन भी होते थे जब अन्न भरने वाला मटका बिना किसी अन्न के दाने के खाली पड़ा रहता था। अगर भिक्षा मांगकर चावल इकट्ठा हो जाते तो नमक नहीं होता उसके साथ खाने के लिए।
कुछ दिनों तो सिर्फ चावल और नमक रहता। उबले हुए बीम्बा के पत्ते, चावल और नमक कई बार महीनों तक हमारा भोजन हुआ करते थे। मेरा ऐसा दुर्भाग्य आया, 10 साल बिना किसी आशा के किरण के साथ बीते और अगले 10 साल हर समय खराब बिगड़ती हुई तबीयत के साथ। कभी एक बार खाना मिलता 8 बजे शाम को, अगला 8 बजे सुबह, उससे अगला 2 दिन बाद और अगला 3 दिन बाद। कलकत्ता के पास रहते हुए मुझे सफलता के कोई आसार नजर नहीं आते। कलकत्ता में मेरे 2 भाई और माँ रहती हैं। मेरे पिता की मृत्यु के बाद उनका बहुत कठिन समय चल रहा है। कई बार उन्हें उपवास रखना पड़ता है। सब कुछ हड़पने की इच्छा से कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें पुस्तैनी घर से बाहर निकाल दिया। मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। घोड़े चाल बाड़न तो बाबा ओखाने खुजिस ना, ए तो दादा एलो बोले चाल आनबे तरकारी आनबे तखन आमि रान्ना करे देव, देखबि कि भालो करे तोरा दुजने खाबि। सत्यि? हाँ सत्यि सत्यि रे बाबा सत्यि। कत रान्ना करे देव तोदेर, कत सुंदर सन्देश मिष्टि दादा आनबे, तोरा खाबि, तारपर दुजने मिले घुरते जाबि। मैंने इस आदर्श व्यक्ति को देख और समझ लिया है और फिर अंत में किसी भी चीज की शुरुआत करने में असफल हूं, यह मेरी गहरी पीड़ा है। कोई समझौता नहीं, यह आदर्श है जिसे आगे बढ़ाना ही होगा। अगर हम राजा से मिले तो हमें उसे अपनी थोड़ी सी बुद्धि देनी चाहिए, अगर किसान से मिले तो उसको भी। मेरे गुरु मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहा करते थे, नरेन तुम एक नायक हो, तुम्हारी एक झलक मात्र मुझे साहस से उत्साहित करती है। हाँ, मैं नायक हूं। मैं यह जगह छोड़ रहा हूं इससे पहले कि यह पत्र तुम तक पहुंचे। मेरी अपनी खुद की कुछ योजनाएं हैं भविष्य के लिए और उन्हें गुप्त रहना चाहिए। इसने मुझे चलायमान रखा, हिमालय से केप कमोरिन तक, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक। कई बार मैं मौत के जबड़ों में था, भूखा, पांव में छाले पड़े हुए, थका हुआ। कई दिनों तक मेरे पास खाने को नहीं होता और मैं और आगे ना चल पाता। ये सही है कि मैं कई बार बरगद के पेड़ के नीचे सोता, चावल के कटोरे के साथ जो मुझे किसी दयावान किसान ने दिया होता। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कई बार मैं राजमहल में महान राजाओं का अतिथि भी होता और दासी लड़की को नियुक्त किया जाता पूरी रात मेरे ऊपर मोर पंखों का पंखा हिलाने के लिए। मेरे पर्यटन के समय मैं एक निश्चित जगह पर था। वहां लोग भीड़ में एक साथ मेरे पास आए और मुझे उपदेश देने को कहा। You should be ashamed of yourself. The youth of India should write the history of their own country. The British have interpreted the history of our country according to their conveniences. What India wants is somebody who can portray her in proper light. और लोगों ने मुझसे 3 दिन और 3 रात लगातार कहलवाया, बिना एक पल आराम दिए हुए। उन्होंने यह तक भी नहीं पूछा कि क्या मैंने भोजन खाया या नहीं। शास्त्र में बोला है ना, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपा। पंडित जी, I have nothing whatever to do with ritual or dogma. Tell me Swamiji, why do you meet Rajas and Maharajas only?
Because I can't go from door to door. If I come to you, tell you and convince you about my ideas, it will automatically reach the masses. Swami, you are a very sincere sadhu. Thank you. May God bless you. तीसरी रात जब सब मिलने वाले चले गए, एक नीची जाति का गरीब व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, स्वामी जी, हमने देखा है 3 दिनों से आपने कुछ खाया नहीं, पानी तक पी नहीं। क्या आपके पास कुछ है खाने के लिए? मेरी बात सुनते ही वो घबरा गया। अगर ये बात उसके राजा तक पहुंच गई कि एक नीच जाति के मोची ने एक सन्यासी को खाना खिलाया, तो उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जा सकता था। वो मुझे खाना देना चाहता था, मगर परिस्थितियों के हाथों मजबूर था। फिर भी वह परिस्थितियों के परिणाम की परवाह ना करते हुए मेरे लिए पका हुआ खाना लाया। मेरी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े और मैंने सोचा, हजारों ऐसे बड़े दिल के लोग इन छोटी झोपड़ियों में रहते हैं और हम उनसे घृणा करते हैं, उन्हें नीची जाति का और अछूत मानते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि भारत में गरीब से गरीब के पास धर्म के बारे में उच्चतम विचार होते हैं। जो चीज से ये लोग ग्रसित हैं वो है जिंदगी के बारे में बौद्धिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवहारिक इच्छा। मुझे आपको ये जरूर बताना चाहिए कि यही लोग मेरे लिए बड़ी आशा है, क्योंकि इस धरती पर ये सबसे सज्जन लोग हैं। सबसे बेहतरीन सैनिक जो अंग्रेजों ने भर्ती किए थे वो भारत के किसान वर्ग से थे। मृत्यु उनके लिए किसी महत्व की चीज नहीं है। उनके पास खाने के लिए रोटी और तन ढकने के कपड़े जरूर होने चाहिए। चाहे तुम उन्हें लूटो, कत्ल करो, उन पर कर लगा दो, कुछ भी करो उनके साथ, लेकिन वो शांत और सज्जन रहेंगे तब तक जब तक कि आपने उन्हें अपने धर्म का अनुसरण करने की छूट दी है। भगवान की पूजा की स्वतंत्रता को छोड़ और हमारा सब कुछ ले लो, ऐसा उनका दृष्टिकोण है। जब अंग्रेजों ने उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया, समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो गई। यही 1857 के विद्रोह का सही कारण है। ये लोग कभी भी धार्मिक दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी योजना भारत के इन लोगों तक पहुंचने की है। मैंने पैसों की तलाश में यात्राएं की। क्या आपको लगता है कि भारत के लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं? भारत के कई लोग मुझे समझ नहीं सके, और वो समझ भी कैसे सकते थे? दयनीय लोग, उनके विचार कभी भी रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने से आगे कभी नहीं जाता है। मैं भारत में किसी पर निर्भर नहीं रहा। गुरुदेव ने मुझे रास्ता दिखाया। मद्रास के लोगों ने खुद के प्रयासों से और मैसूर, रामनाड, खेतरी के महाराजाओं के साथ मिलकर सारी तैयारियां की मुझे अमेरिका भेजने की। हमारा देश सामाजिक अच्छाइयों के मामले में बहुत गरीब है, और यह देश आध्यात्मिक स्तर पर पिछड़ रहा है। मैं उन्हें आध्यात्म दूंगा और वो मुझे पैसे। आप सोच सकते हैं कि यह सब क्या काल्पनिक बकवास है, पर मैं कहूंगा आप बहुत कम जानते हैं कि मेरे भीतर क्या है। क्रिश्चियन को हिंदू या बौद्ध बनने की कोई जरूरत नहीं, ना ही हिंदू और बौद्धों को क्रिश्चियन, लेकिन सबको एक दूसरे की आत्मा को अपने भीतर समाहित करना चाहिए। अपने अनोखेपन को संरक्षित रखते और खुद के विकास के नियमों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
अगर इस धर्म की संसद ने इस संसार को कुछ दिखाया है तो वह यही है। इसने विश्व के सामने यह साबित कर दिया है कि पवित्रता, शुद्धता और दान पूरी तरह किसी भी चर्च की संपत्ति नहीं है। इस प्रमाण के बाद कोई भी यदि अपने धर्म के पूर्ण अस्तित्व के बारे में सोचता है और दूसरों के धर्म के विनाश के बारे में, अपने हृदय की असीम गहराइयों से मुझे उस पर दया आती है। मैं बताना चाहता हूं कि हर धर्म की पताका के ऊपर जल्द ही लिखा होगा, लड़ाई नहीं मदद, समाहीकरण ना कि विनाश, एक रास्ता और शांति ना कि मतभेद। भाइयों, हम हर चीज से छुटकारा पा सकते हैं लेकिन इस शापित ईर्ष्या से नहीं। यह हमारे साथ एक राष्ट्रीय पाप है। भगवान की कृपा से मेरी और मजुमदार की मुलाकात यहां हुई। पहले तो उनका व्यवहार बहुत दोस्ताना था, लेकिन जब शिकागो के लोग समूहों में मेरे पास आने लगे तब उनके दिमाग में नासूर पैदा हुआ। उन्होंने मेरी झूठी निंदा की, ईसाई मिशनरियों से यह कहकर कि मैं कुछ नहीं हूं, झूठा, धोखेबाज, और उन्होंने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया है कि मैं यहां आकर संत होने का एक ढोंग कर रहा हूं। और इन पादरियों ने इस देश में मिर्च मसाला लगाकर सबसे भयावह और झूठी बातें फैलाई मेरे बारे में। अखबारों में छापकर उन्होंने कई बुरी बातें फैलाई हैं मेरे बारे में। और कलकत्ता में लोगों को बता रहा है कि मैं यहां अमेरिका में पाप की जिंदगी बिता रहा हूं, खास तौर पर अपवित्र। भगवान उसका भला करे। मैं अमेरिका धर्म संसद में भाग लेने नहीं आया। कौन चिंता करता है इस धर्म संसद की। मैं 12 साल तक पूरे भारत में घूमा। मेरे देश के लिए काम करने का कोई रास्ता ना मिलने पर मैं अमेरिका चला आया। मैंने शिकागो और अन्य शहरों में भाषण देना शुरू किया। हर हफ्ते मुझे 12 से 15 उपन्यास देने होते थे, कई बार उससे भी ज्यादा। मैं नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं आया हूं, यह तो मुझ पर थोपी गई थी। मैं वह व्यक्ति हूं जिसने अपनी देश की रक्षा करने का साहस किया, और मैंने इस देशवासियों को ऐसे विचार दिए जिसकी वह किसी हिंदू से आशा नहीं कर सकते थे। और हमारे देश के लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि वह अमेरिका के लोगों को बताए कि मैं सचमुच सन्यासी हूं, कोई धोखेबाज नहीं, और मैंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया है। कुछ शब्द भी खर्च ना कर सके। ओह, आप महान हो मेरे देशवासियों, आप महान हो। मेरी सबसे बड़ी भूल यह है कि मैंने अपने देश को बहुत बहुत प्रेम किया। Swami? Swami, do Indian mothers really throw their babies to the crocodiles? Yes, ma'am. They threw me in. But like your fabled Yona, I got out again. आप में से कितने लोगों ने हिंदुओं की पवित्र किताबें पढ़ी और इस वजह से उन्हें खुद कुछ ज्ञान है हिंदू धर्म के बारे में? कृपया अपने हाथ उठाइए। और फिर भी आप हमें परखने का साहस कर रहे हैं? मैं हालांकि सीधे बोलने वाला व्यक्ति हूं लेकिन मेरी मंशा अच्छी है। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं यहां आपकी खुशामदी करने नहीं आया हूं, यह मेरा काम नहीं है। अगर मुझे यही करना होता तो मैं चलन के अनुसार 5th Avenue न्यूयॉर्क में चर्च खोल लेता। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी गलतियों, कमियों और घमंडों को इंगित कर तुम्हें अपने आत्म से होकर
भगवान की ओर जाने का मार्ग दिखाना चाहता हूं। वह हर चीज जिसकी मूल में स्वार्थता है, एक तरफ प्रतियोगिता है और जिसका उद्देश्य केवल आनंद उठाना है, उसे अभी या बाद में खत्म होना ही होगा। अगर आप सही मायनों में जीना चाहते हैं तो यीशु की शरण में वापस जाएं। फटे पुराने कपड़ों में यीशु के साथ रहने को तैयार रहना अच्छा है, बनिस्बत इसके कि उन स्थानों में रहना पड़े जहां वह है ही नहीं। हे भगवान, भारत में मेरा समर्थन करने के लिए अगर मेरे पास एक व्यक्ति भी होता, सही योग्यता और बुद्धि के साथ, मैं चिंता नहीं करता कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या कहते हैं। सिर्फ एक चीज को छोड़कर, मेरी बूढ़ी माँ है। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं और इस सब के बीच उसने यह भी सहन किया है कि वह मुझे भगवान और मानव सेवा के लिए दे सके। लेकिन उसे जब यह पता चलेगा कि उसका पुत्र अनैतिक जीवन बिता रहा है दूर देश में, जैसा कि मजुमदार कलकत्ता के लोगों को बता रहा था, यह काफी होता उन्हें मार डालने के लिए। मैं कोई धर्म का प्रचारक नहीं हूं और ना ही मैं कभी उनमें से एक हो सकता हूं। मेरी जगह तो हिमालय में है। मैं अपनी पूरी चेतना के साथ कह सकता हूं, हे भगवान, मैंने अपने लोगों के बीच अपार दुख देखा है और उसे दूर करने के लिए रास्ता खोजा और भरसक कोशिश की उसे क्रियान्वित करने की, लेकिन असफल रहा। आगे तुम्हारी मर्जी है। A huge locomotive has rushed on over the line. A small worm that was creeping on one of its rails saved its life by crawling out of the path of the locomotive. Yet, this little worm, so insignificant that it can be crushed in a moment, is a little something. While this locomotive, so huge, so immense, is only an engine, a machine. हर पल मुझे भारत से कुछ मदद आने की अपेक्षा थी, लेकिन वह मदद कभी नहीं आई। मैं हर पल अथाह पीड़ा में था। एक अखबार तक भी भारत से नहीं आया। महीनों दर महीनों मैंने इंतजार किया, लेकिन कुछ भी नहीं आया। My religion is to learn. I read my Bible better than the light of your Bible. And the dark prophecies of my religion become brighter when compared with those of your prophets. एक आवाज तक नहीं। यह एक सजा है मनुष्य पर विश्वास करने की। मैंने अपनी जिंदगी में मदद के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहने की एक भयंकर भूल की थी और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। The voices of the sages of the Himalayas and recluses of the forests. The voices that came down to the Semitic races. The voice that spoke to Buddha. टेक्सास में उपन्यास देने के मुझे $900 मिले, जो 2700 रुपयों के बराबर थे। दूसरे उपन्यास के लिए मुझे $2500 मिले, जो 750 रुपयों के बराबर थे। लेकिन मेरे हाथ में केवल $200 आए। भाषण करवाने वाली एक बदमाश संस्था ने मुझे धोखा दिया। अंत में केवल $300 ही बचे। मैं अपनी नौका लहरों के हवाले कर चुका हूं। आने दो अब, जो कुछ भी आए। मुझे नहीं पता है आगे मैं क्या करूंगा। मोन चलो निजो निकेतने, मोन चलो निजो निकेतने।
Calcutta meeting held in the honor on 5th September 1894. The president was the chief nobleman of Calcutta. And the other man, Mahesh Chandra Nyayaratna, is the principal of Sanskrit College and chief of Brahmin North of India. जय जगदम्बा, मुझे मेरी अपेक्षा से भी अधिक मिला। आखिरकार भारतीय लोगों ने इस प्रवादी को सम्मानित किया है। ओ, मैं कैसा बदमाश हूं, इतनी सी परेशानियों से ही मैं अपना विश्वास खो बैठा। लेकिन भगवान है, वो पिता है, माता है, जो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक अच्छा समाचार इतने इतने दिनों के बाद। उन्होंने यहां कहा है मैं अद्भुत हूं, अनोखा, और इससे मिलती जुलती कई बकवास बातें हैं। लेकिन पूरी भारत की तरफ से मुझे बधाई दे रहे हैं, और मैं भगवान की करुणा पर एक बच्चे की तरह रो रहा हूं। Sorry, Swami. मैं दुखी हो चुका हूं भारत से आने वाले अखबारों के बंडलों से। मुझे उन्हें लिखना पड़ा है कि वो अखबार भेजना बंद करें। अब वो ये भी लिखने लगे हैं कि मैंने किस किस तारीख को क्या क्या खाया और मैंने मैंने कैसे छींका। उनसे मदद की अपेक्षा करना मेरी मूर्खता थी। अरे अड़सिंगा जी, अगर भारतीय लोग मुझे जबरदस्ती भारतीय खान पान से बांध कर रखना चाहते हैं तो उनसे कहो कि एक रसोईया भेजे और उसको रखने के लिए थोड़े पैसे भी। मुसीबत के समय रत्ती भर मदद किए बिना ऐसे बेवकूफी भरे आदेश देना मुझे हंसने पर मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ अगर कोई धर्म प्रचारक ये बोले कि मैंने संन्यास के दो शपथ ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन तोड़ा है तो उनसे कहो कि वो सबसे बड़े झूठे हैं। अक्ष, गॉड, भारत से आए पत्रों में मुझे बार बार आगे जाने को लिखा होता है। मुझे नहीं मालूम मैं कब वापस जाऊंगा, लेकिन मैंने इस देश को बहुत जान लिया है। मेरे विचार से मैं जल्दी यूरोप जाऊंगा और कुछ महीनों इंग्लैंड में काम पूरा करने के बाद मैं भारत वापस चला जाऊंगा। फिर पूरी तरह कुछ सालों के लिए या फिर हमेशा हमेशा के लिए अज्ञातवास में चला जाऊंगा। सॉरी सोमर, इट्स अ क्वीर लाइफ माइन, नो रेस्ट, रेस्ट विल बी माय डेथ। मुझे मरने के लिए भी कोर्स होगा। व्हाट वाज दैट? आई हैव नो टाइम इवन टू डाई। Wrong idiot!
long for my rags, my sleep on the trees, and my food from my begging. Come on, Swami. Get up. I work, work, work. Earn my own bread and help my country. मेरी सफलता इस चर्चित शैली की वजह से है। एक शिक्षक की महानता उसकी सरल भाषा में छिपी होती है। सरलता एक राज है। मेरी भाषा का आदर्श मेरे गुरुदेव की भाषा है, बहुत आम बोलचाल की, फिर भी बहुत मुखर। मेरे आदर्शों को कुछ शब्दों में ढाला जा सकता है, और वह है मनुष्य जाति को उसकी दिव्यता का ज्ञान कराना और उसे बताना कि कैसे इस दिव्यता का इस्तेमाल जीवन के हर एक पल में किया जा सकता है। धर्म संसार के लिए मृत प्राय मजाक के समान हो गया है। दुनिया को जो चाहिए वह है चारित्र। It is taught in the West that society began some 1800 years ago with the onset of the New Testament. But it is not true as regards the whole world. But why didn't your wretches come to England to teach us? Because there was no England to come to. Would they come and preach to the forest? Oh, yes. मैं एक ऐसे दर्शन को फैलाना चाहता हूँ जो संसार के समस्त धर्मों को आधार दे सके, और मेरा दृष्टिकोण उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण है। मेरी शिक्षा किसी भी धर्म की शत्रु नहीं है। मेरी शिक्षा हमारी पौराणिक किताबों से निकाला गया है। मेरा खुद का निचोड़ है और मेरे गुरुदेव ने अपने ज्ञान का प्रकाश उस पर बिखेरा है। मैं कोई अलौकिक शक्ति होने का दावा नहीं करता। जो कुछ भी मेरी शिक्षा में सर्वोच्च बुद्धिमता को दर्शाता है, और अगर विचारशील मनुष्य उसे अपनाता है, उसका अपनाया जाना ही मेरा पारितोष है। Come on, George. Come on. Let me. Smells good. I made a dish. Oh. It's a delicious mixture of saffron, lavender, mace, cubebs, cinnamons, cloves, cream, cardamoms, lime juice, onions, almond, pepper, and raisins and rice. Please. Wow. My plan, as I was saying, is to start two centers in India. My interests are international, not Indian alone. At 20 years of age, I was the most unsympathetic, uncompromisingly fanatic. I would not walk on the footpath on the theater side of the streets in Calcutta. But now, at 33, I can live in the same house with prostitutes and never would think of saying a word of reproach to them. Is it degenerate? Or is it that I'm broadening out into the universal love, which is the Lord Himself? Bold words, bolder deeds. That's what we want. I myself couldn't eat it. There was no asafoetida. Pardon me? Asafoetida. Hing. Hing. Though it would have made it easier to swallow. Oh.
been asked many times. Swami, why do you laugh so much and make so many jokes? I become serious sometimes when I have a stomachache. Sometimes people speak out to my face. Swami, you're a priest. You should not be laughing and making so many jokes like ordinary men. Such levity does not look good on you. To which I reply, we are children of bliss. Why should one look somber and miserable? If one who lives in Lord becomes miserable, what is the use of living in him? What is the use of such a God? Throw him overboard into the Pacific Ocean. We do not want him. Three more lectures and my London work are finished for this season. Dear Lord says, start for old India. And I obey. Amar ma tvam hi tara ami jani go dino daya noi tumi durgamete dukho hara amar ma tvam hi tara. भारत वापस आने के पिछले दिन मेरे एक अंग्रेजी दोस्त ने मुझसे पूछा, स्वामी जी, वैभवपूर्ण, शक्तिशाली, अद्भुत पश्चिम में 4 साल रहने के अनुभव के बाद अब आप अपनी मातृभूमि में लौट रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मैंने कहा, भारत को मैं पहले भी प्यार करता था, लेकिन अब तो भारत की धूल और हवा का एक एक स्पंदन मेरे लिए पवित्र हो चुका है। भारत मेरे लिए एक धार्मिक यात्रा का स्थान, एक तीर्थ स्थल बन चुका है। पश्चिम के लोगों के लिए मेरा संदेश वीरतापूर्ण था और उससे भी अधिक बेखौफ और वीरतापूर्ण संदेश है मेरे देशवासियों के लिए। हम सब भारत के पतन के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। एक समय ऐसा था जब मैं भी इस पर यकीन करता था, लेकिन अपने अनुभवों के उस स्थान पर खड़ा होकर मैं पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं कि मैं गलत था। पिछले हजारों सालों और उससे भी अधिक समय से आपको हमेशा बताया गया है कि तुम कमजोर हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, और तुमने भी इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। अरे जब मनुष्य खुद से घृणा करना शुरू कर देता है, तब समझो कि उस पर आखिरी प्रहार हो चुका है। जब व्यक्ति अपने पूर्वजों को लेकर शर्मिंदगी महसूस करने लगता है, तो समझो कि उसका अंत करीब आ गया है। मैं यहाँ हिंदू जाति का एक छोटा नगण्य सा हिस्सा हूँ,
फिर भी मुझे गर्व है अपनी संस्कृति पर, मुझे गर्व है अपने पूर्वजों पर, मुझे गर्व है अपने आप को हिंदू कहने पर, मुझे गर्व है कि मैं आप लोगों का एक तुच्छ सेवक हूं, मुझे गर्व है कि मैं आपके देश का वासी हूं। तुम जो वंशज हो सबसे यशस्वी ऋषियों के, जिन्हें संसार ने कभी नहीं देखा, ईश्वर की कृपा से जो हमें कमजोर मानते हैं और नीची दृष्टि से देखते हैं, वह मुझे अपना गुरु मानते हैं। स्वामी विवेकानंद की, 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 स्वामी विवेकानंद की। भारत के युवकों, मैं आपको अपनी तरफ से एक जागीर दूंगा। गरीबों को सुधारने का संघर्ष, अज्ञानी और दबे हुए लोगों के प्रति दया, ये जागीर। इसी क्षण पार्थ सारथी के मंदिर जाइए, उस भगवान के पास जो गोकुल के मासूम ग्वालाओं का दोस्त था, हितैषी था, जिसने अपने बौद्धावतार में प्रतिष्ठित लोगों से दिए हुए नियतों को ना मानकर एक वैश्या के घर गया ताकि उसका उद्धार कर सके। उस भगवान के सामने घुटने टेक कर बैठिए और ये प्रण कीजिए कि आप अपना सारा जीवन इन दबे हुए लोगों के उद्धार में और सेवा में समर्पित कर देंगे। जब मैं पाश्चात्य पहनावा पहन के घूमने वाले अपने देशवासियों को देखता हूं, तब मेरे मन में यह विचार आता है, शायद ये लोग भारत में रहने वाले गरीब, अज्ञानी, अनपढ़ और दबे हुए लोगों को अपना देश बंधु मानने के लिए शर्मिंदा है, इसलिए ऐसा पहनावा पहनकर घूम रहे हैं। पाश्चात्य लोगों ने तो हमें अब ये सिखाया है कि लंगोट पहनकर घूमने वाले ये बेवकूफ, गरीब, अशिक्षित, अज्ञानी करोड़ों भारतीय अनार्य हैं, इसलिए हमारे भाई लोग नहीं। अन्य लोगों के इन तुक्ष बातों पर यकीन करके, उनका तुक्ष अनुकरण करके, उनका सहारा लेके कमजोर हुए ओ मेरे भारत, इन दुर्गुणों के सहारे क्या तुम फिर एक बार नागरिकता की असीम ऊंचाइयों को छू पाओगे? आप उस समुदाय से क्या अपेक्षा रख सकते हैं जिस समुदाय ने सैकड़ों वर्ष सिर्फ इस गहरी समस्या की आलोचना में बिता दिया कि वे एक ग्लास पानी दाएं हाथ से पिए या बाएं हाथ? उस राष्ट्र की अवनति और क्या हो सकती है जहां उसके अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने रसोई घर के नियम कानून बनाने में अपनी प्रतिभा को सैकड़ों वर्षों तक व्यर्थ किया हो? इस आलोचना पर कि क्या मैं आपको छू सकता हूं या आप मुझे छू सकते हैं, इस दोष के लिए परिहार क्या है? स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, अमेरिका में बिस्तर मुलायम और कोमल था, लेकिन ऐसी कई रातें थी जब मैं अपने खुद के लोगों की अपार गरीबी के बारे में सोचकर उन मुलायम और कोमल बिस्तरों पर सो नहीं पाया। मैंने जमीन पर कई रातें इन गरीब लोगों के बारे में सोचते हुए काटी, बिना नींद और आराम के। अच्छा, अगर मेरे पास बुद्धि है तो मैं हिमालय पर्वत की किसी गुफा में समाधि की अवस्था में बैठ सकता हूं, फिर भी मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा और मैं यहां क्यों? देश की गरीबी की झलक मात्र और उसके भविष्य का विचार मुझे और चुप रहने नहीं देगा, इसलिए महसूस करो। क्या आप महसूस करते हैं, क्या आप महसूस कर सकते हैं कि असंख्य ईश्वर और ज्ञानी पुरुषों की संतानें नृशंस और क्रूर पशुओं के पड़ोसी बन गए हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि असंख्य लोग आज भी भूख से मर रहे हैं और असंख्य लोग कई सदियों से भूखे हैं? क्या यह आपको विचलित करता है? क्या यह आपकी नींद उड़ाता है? क्या यह तुम्हारे खून में रच बस कर तीव्र गति से तुम्हारी धमनियों में बढ़ता हुआ तुम्हारे हृदय की धड़कनों का अटूट हिस्सा बन पाया है? क्या इसने आपको लगभग पागल कर दिया है? क्या आप दुखी और बर्बादी के इस एक विचार से पूरी तरह भर चुके हैं और आप अपना नाम, यश, कीर्ति, अपनी पत्नियों, अपने बच्चों, अपनी संपत्ति और यहां तक कि खुद को भी भूल चुके हैं? यही पहला कदम है देशभक्ति की ओर, सबसे पहला कदम।
मैं अमेरिका में एक आदमी था और यहां दूसरा। वहां पहले उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, जैसा कि मैं नंगा घूम रहा हूं। और तो और मुझे एक अच्छे होटल में घुसने भी नहीं देते थे। यहां पूरा देश मुझे अपने अधिकारी के रूप में देख रहा है। यहां राजकुमार और महाराजाओं के वंशज मेरे पांव पड़ते हैं, पूजा करते हैं। यहां पूरे देश में प्रगति हुई है जिसका अभी तक किसी ने निर्देश नहीं दिया। वैसे मैं ये जानकर खुश हूं कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरे बाल गुच्छों में सफेद रंग के हो रहे हैं और मेरे पूरे चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं। वजन घटने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी 20 साल की उम्र और बढ़ गई है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उपदेश देने वालों को जवान होना चाहिए? लोगों को बूढ़े व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा होता है, हाँ। और वो ज्यादा सम्मानजनक भी होता है। फिर भी बूढ़े बदमाश सबसे बदतर बदमाश होते हैं, हाँ। ओ दाओ व्हाइट हेयर, ग्लोरी ऑन टू दी, हालेलुया। ये मधुमेह एक बंगाली संविधान पर निरंतर अनियमित मेहनत का नतीजा है। यह एक वंशानुगत शत्रु है और कुछ ही समय में यह मुझे पृथ्वी की ओर ले जाएगा। सिर्फ मांस खाना और बिल्कुल पानी ना पीना एकमात्र तरीका हो सकता है अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, समझे? कोई रोटी नहीं, चावल नहीं, कोई आलू नहीं, ना ही चीनी की जरा सी मात्रा कॉफी में। बदकिस्मती से मैं सर्कस के उस जोकर के समान हूं जो दूसरों को हंसाता है और खुद। मेरा स्वास्थ्य भी वैसा ही है, मुझे ज्यादा अंतर नहीं लगता, पर मैं अपनी आवाज का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं ताकि 3000 लोग मुझे सुने और 2 घंटे के बोलने के बाद भी मैं एक अच्छी नींद ले सकूं। आओ, आओ। मेरा भरोसा उन युवा शक्तियों में है जो आज्ञाकारी, असीम बुद्धिमान और दूसरों की सेवा करने में तत्पर है, जो अपना सारा जीवन मेरी योजनाओं को साकार करने के लिए तैयार हो, अपने देश की भलाई करने के लिए तैयार हो। अब वो समय आ गया है जब आपको निर्धारित करना है कि आप भविष्य में अपने जीवन का क्या करेंगे। क्या ये यौवन की शक्ति और उत्साह थके हुए बुढ़ापे में रहेगा? सोचिए, अपने आप को जागृत कीजिए। समय बहुत कम है, बहुत सारे महान कार्य अधूरे पड़े हैं। अपने समुदाय के उत्थान के लिए अपने जीवन का त्याग करने का महान कार्य अधूरा पड़ा है, इसलिए एक लक्ष्य चुनिए और उसे पाने के लिए सारा जीवन बिताइए। जय!
मेरी योजना जो मैंने विकसित और केंद्रित की है भारत के लिए, वह यह है कि मैं भारत के आवाम उसके आम लोगों तक पहुंच सकूं। मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूं और इंसान पर भी। मैं पीड़ितों की मदद करने में विश्वास रखता हूं। मैं चाहूंगा कि बार बार जन्म लूं और हजारों दिक्कतें झेलूं, ताकि मैं भगवान की पूजा कर सकूं जिसका अस्तित्व है। वह एकमात्र ईश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूं, वह दुष्ट मेरा ईश्वर, वह पीड़ित सभी जातियों का गरीब मेरा ईश्वर, उसकी सेवा करना चाहता हूं, उसको पूजना चाहता हूं। दुनिया की यात्रा करने के बाद मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास जागा है कि कोई भी महान वजह या कदम बिना संगठन के सफल नहीं होगा। मैं जितना बड़ा हुआ, मैंने उतना ज्यादा पाया कि हर चीज पुरुषत्व में समाई है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक ऐसे तंत्र को हरकत में ले आऊं जो हर किसी के दरवाजे तक उदार विचारों को ले जाए। महिलाओं को शिक्षित करो और उन्हें स्वतंत्र छोड़ दो। शिक्षित महिलाएं ही बताएंगी कि उनके उद्धार के लिए क्या योजनाएं बनानी है। अपने स्कूल में पुरानी कलाओं का पुनरुत्थान करो। अपनी लड़कियों को अच्छा खाना पकाना सिखाओ, सिलाई करना सिखाओ, चित्रकला सिखाओ, रंगोली बनाना सिखाओ, गुड़िया बनाना सिखाओ। तुम्हारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जीवन के कठोर समय में ये लड़कियां इस शिक्षा के द्वारा चार पैसे कमा सके। मैं ईश्वर या धर्म पर भरोसा नहीं करता जो एक विधवा के आंसू नहीं पोंछ सकता और एक अनाथ के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता। धर्म वह है जो किसी किताब या उल्लेख पर निर्भर नहीं करता। मैं सभी धार्मिक शिक्षकों से आजाद बनने में विश्वास रखता हूं, उन पर श्रद्धा रखूं, पर उस धर्म को एक आजाद खोज की तरह देखूं। स्वामी जी, मैंने इस संसार के लिए काम किया और इस संसार ने बिना एक पाउंड मांस लिए हुए मुझे एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया। मैं गद्दे पर लेट नहीं सकता, ये सिर्फ बीमारी को बढ़ावा देते हैं। मैं घुटन महसूस करता हूं, मुझे आराम के लिए फर्श पर आकर लेटना पड़ेगा। যতক্ষণ বকবক করছে শরীর ততক্ষণ খারাপ হচ্ছে। বিজয়ন, হ্যাঁ স্বামীজি, জেনে রাখ, হ্যাঁ স্বামীজি, মিসেস জনসন কি রায় মে কোই ভি আধ্যাত্মিক ইনসান বিমার নহি পড়না চাহিয়ে। উনহে এসা লাগতা হ্যায় কি মেরা ধূম্রপান করনা পাপ হ্যায়, पर मां का कोई भी काम जिसमें मुझे निपुण होना था उन्होंने मुझसे करवाया, और अब मुझे एक तरफ फेंक कर मेरी काया और अहम को तोड़ दिया है। शकले तुम्हारी इच्छा, मुझे लगता है कि मेरा कार्य संपूर्ण हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल बचे हैं। मैं 40 की उम्र कभी नहीं देखूंगा। स्वामी जी, हे जगन माता, हे गुरुदेव, अमी वीर, हम
स्वामी प्रार्थना कोरी। अब ज्यादा ध्यान मत दो कैसे काया जी और गई, इसका काम हो चुका है, कर्म को इसे नीचे बहाने दो, किसी को इस पर हार चढ़ाने दो, दूसरे को इसे मारने दो, कोई तारीफ या दोष एक ही है, तारीफ या दोष एक ही है, इसलिए शांत और मजबूत बने रहो सन्यासी, शांत और मजबूत बने रहो। ओम तत्सत। ओम सिर्फ एकमात्र विचार मुझे तंग करता है, वो ये है, क्या मैं इस कम समय के अंदर अपने विचारों को असर दे पाऊंगा? मैं एक मरता हुआ इंसान हूं, मेरे पास खेल कूद के लिए समय नहीं है, मुझे अपनी संस्था को सही कर्मठ अवस्था में देखना ही है, और तब ये अच्छी तरह जानकर कि मैंने कम से कम भारत में तो अपने आप को मानवता की अच्छाई के लिए कर्म में झोंका। मैं आगे की परवाह किए बिना सो जाऊंगा। ये मेरी बीमारी है ना, मेरे अंदर एक घोर पाप जो मेरी छाती में छुप रहा है। विश्व के सेवा करने हेतु मैंने अपनी मां को दुखी मन से अनदेखा किया है। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं कम से कम अपनी मां की सेवा करूं, उन्होंने मेरे कारण बहुत बहुत सहा है, मुझे उनके आखिरी दिन आरामदायक करने चाहिए। मैं अपनी मां के साथ रहना चाहता हूं, मैं उसके लिए एक प्यारा घर बनाऊंगा और मैं उसे एक पवित्र धार्मिक यात्रा पर ले जा रहा हूं। मैं अपने लोगों के लिए सिर्फ दुख ही लाया हूं, मैं उसकी एक इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरे आखिरी दिन आसान बनाएगा और मेरी मां के भी। जय श्री रामकृष्ण परमहंस देव की जय। जय श्री रामकृष्ण परमहंस देव की जय। এসেছে নতুন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে, এসেছে নতুন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে, আর বিবেক বৈরাগ্য ঝুলি দুই কাঁধে। শ্রী রামকৃষ্ণ ने मुझसे कहा था, नरेन तुम जहां भी अपने कंधों पे मुझे ले जाओगे मैं वहां चलूंगा और ठहरूंगा, इसलिए मैं खुद उन्हें अपने कंधों पर उठा नए मठ मैदानों में ले जा रहा हूं। यह जान लो कि श्री रामकृष्ण बहुतों की भलाई के लिए आने वाले लंबे समय तक अपने पांव जमाए रखेंगे। স্থাপকায়
च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिने। ये लड़का जो एक छोटे से गांव में गरीब ब्राह्मण माता पिता के यहाँ जन्मा, वो आज उन जमीनों में पूजा जा रहा है जो कि सदियों से पूजाओं के खिलाफ थी। मैं इस महान आदर्श को आपके सामने रख रहा हूं, इसे परखो, पर मेरे द्वारा नहीं, मैं तो सिर्फ एक कमजोर यंत्र हूं। इस पात्र को मेरी नजरों से मत परखने दो। हमें मायने ये नहीं रखना चाहिए कि परमहंस का प्रचार कौन करता है, मैं, तुम या कोई और, परंतु अब उन्हें मैं तुम्हारे समक्ष रखता हूं और ये तुम्हारे द्वारा परखने के लिए है। अपने देश की भलाई के लिए तुम क्या करोगे जीवन के महान आदर्श का? अगर ये देश जागना चाहता है तो इसके लिए मेरे शब्द ले लो, इसे जोश के साथ इकट्ठा होना है इस नाम के साथ। ये एक तरीका है, एक अद्भुत सहज तरीका। क्या तुम जानते हो कि इस पल मैं क्या सोच रहा हूं? यह मठ सीखने वालों और आध्यात्मिक शिष्यों के लिए केंद्र बनेगा। हमें देखना है कि सभी मत, पंथ और प्रांतों के लोग, ब्राह्मण से चंडाल तक, यहां आए और अपने आदर्श प्रत्यक्ष रूप से पाएं। भूत से जो कुछ भी सीख सकते हैं उसे सीखेंगे, वर्तमान की रोशनी का आनंद लेंगे और जो भी भविष्य में आएगा उसके लिए अपने दिल की खिड़कियां खोल देंगे। नमस्ते। यह मठ जिसे हम बना रहे हैं ना, यह सबको शांति प्रदान करेंगे। चलिए चलिए। जिस तरह श्री रामकृष्ण परमहंस अत्यंत खुले विचार के थे ना, उसी तरह यह मठ भी ऐसे विचारों को पहुंचाने का एक केंद्र होगा। वैश्विक शांति की सुलगती हुई ऊंचाइयां जो यहां प्रदर्शित होंगी पूरे विश्व में बाढ़ ला देगी। पता है, पता है, सबसे बड़ा त्याग प्रसिद्धि, महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना है। मैं तैयार हूं। अब मैं आजाद हूं, क्योंकि मैंने कर्म में अपने लिए कोई ताकत, हक या पद नहीं रखा है। मैंने रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने रामकृष्ण की 20 साल से सेवा की है। गलतियों और सफलताओं से होकर मेरा हिसाब चुकता हो गया है। मुझे चाहिए आराम, कुछ खाना और कुछ किताबें। मैं हिमालय की चोटियों में एक छोटी जगह खरीदूंगा, करीब 6000 फुट ऊंची, शाश्वत अमर बर्फ के दृश्य के साथ। वहां झरने, एक छोटी झील, जंगल और फूल ही फूल होंगे।
हर जगह। इन सब के बीच मेरे पास एक छोटी कुटिया होगी और एक सब्जियों का बगीचा जिस पर मैं खुद काम करूंगा और मेरी किताबें और लंबे समय में कभी एकाध बार किसी इंसान को देखूंगा। इस संसार की बर्बादी को मैं हो सकता है अपने कानों से सुनूं, लेकिन मैं परवाह नहीं करूंगा। किस तरह मैं जिंदगी भर बिना आराम के रहा हूं। एक जन्मजात खानाबदोश की भांति। आश्चर्य की बात है, मैं अपने लिए जो भी सपने देखूं उनमें से कोई भी सपना कभी भी हकीकत में नहीं बदलता। जब भी मैं दूसरों की भलाई के बारे में सोचूं, चाहे वो जितना भी कठिन हो, हमेशा वो हकीकत में बदलता है। मैंने अपना संदेश पहुंचा दिया है और अब मुझे चलना चाहिए। एक बड़े पेड़ की छाया छोटे पेड़ों को बढ़ने नहीं देगी। मुझे जाना ही चाहिए दूसरों के लिए जगह बनाने के लिए। एकवा वाटर पानी बारी नाम दे जले अल्लाह गॉड ईसा मूसा काली नाम वेद बोले। ब्रजेन कमिंग स्वामी जी। ये एक अच्छी पोशाक है, मठ में पुराने कपड़े पहन के नंगे पांव घूमता हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मैं मठ मैदानों से पानी बाहर निकालने के लिए गहरा नाला काटने में मदद करने से अभी लौटा हूँ। बदकिस्मती से इस घनघोर बारिश में मेरा एक बत्तख मर गया। हमारा वो बूढ़ा सन्यासी है ना, वो बोल रहा था बुझले ए कोली जुगे बेचे थे के आर लाभ नहीं, एखोन तो बृष्टि होले हाँस देरो ठंडा लागे बैंग रहो हाँसी पाए। ब्रजेन स्वामी जी, ये शरीर अब कभी ठीक नहीं होगा, मुझे इसे छोड़ना होगा, दूसरा शरीर लाना होगा ताकि मैं अपने आगे का काम पूरा कर सकूं। मैं अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो रहा हूं। मौत मेरे बिस्तर के पास आ चुकी है। मैं बहुत काम और खेलकूद कर चुका हूं। वो मेरे साथ साथ ये किताब भी पूरा विश्व घूम चुकी है। मैंने 7 साल पहले ये शब्द लिखा था। पढ़ो। Now to seek a corner. Now to seek a corner. And lay myself to die. And lay myself to die. Now to seek a corner and lay myself to die. अब तो किसी कोने में लेट कर मरना है। जब मैं अपनी बीती जिंदगी का पुनरावलोकन करता हूं, मुझे कोई पछतावा नहीं होता। मैं एक देश से दूसरे देश घूमा हूं, लोगों को सिखाते हुए। हालांकि मैंने बदले में उनके कुछ रोटी के टुकड़े खाने को लिए हैं। अगर मुझे पता होता कि मैंने कोई काम नहीं किया बल्कि सिर्फ अपने आप को सहारा दिया है,
तो मैं खुदकुशी कर चुका होता। आज मैं अपने जमीर से संतुष्ट हूं कि मैं एक निष्क्रिय स्वामी नहीं रहा। मैं बहुत मुश्किल से बैठ पाता हूं और लिख पाता हूं, फिर भी ये पत्र लिखना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मुझे डर है, हो सकता है कि ये मेरा आखिरी पत्र ना हो। ये बात भली भांति जान लीजिए कि जो काम मैंने किया वो विवेकानंद के द्वारा किया गया काम नहीं है, बल्कि ये उस ईश्वर का काम है। अगर एक सेनापति सेवानिवृत्त होता है तो दूसरा उसकी जगह पर राजा के द्वारा पदस्थ किया जाना अनिवार्य है। যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কি করে গেল। কালে কালে এমন শত শত বিবেকানন্দ জন্মাবে। শ্রী রামকৃষ্ণকে হাজারো শ্রদ্ধালুও মে সে कोई ना कोई मेरी ही तरह उभरेगा, जो मेरी तरह बनेगा और मुझे समझ पाएगा। अमार कालो रे शमा, मां की। हो सकता है कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल जाऊं, मैं एक गंदे इस्तेमाल किए हुए कपड़े की तरह इस शरीर को छोड़ दूंगा। विवेकानंद की कभी कमी नहीं होगी। अगर विश्व को जरूरत होगी तो हजारों करोड़ों विवेकानंद पैदा होंगे। शिकंजे में जकड़ लिया है, अब भी डर नहीं। जो मैंने अब तक नहीं किया है, युद्ध में से भागना, क्या वो आज होगा? आखिरकार मैं कौन हूं? वो लड़का जो दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण की बातों को तन्मयता से सुना करता था, बरगद के पेड़ के नीचे, वही मेरा असली व्यक्तित्व है। कर्म और क्रियाएं, अच्छा करना
और अन्य ऐसी बातें सब एक भेष है। अब वापस मुझे वह आवाज सुनाई दे रही है, वही पुरानी आवाज मेरी आत्मा को उत्साहित कर रही है, मेरे गुरु की आवाज पुकार रही है, गुरु को मैं आ रहा हूं गुरुदेव, मैं आ रहा हूं। मोन चलो निजो निकेतने, मोन चलो निजो निकेतने। स्वामी जी स्वामी जी महाराज। वो शिक्षक, वो गुरु, वो नेता, वो अध्यापक गुजर गया, वो लड़का, वो शिष्य, वो सेवक पीछे छूट गया।